उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस पर हमला करने के मामले सामने आए। जी हां, मामला सामने आने के बाद ताजनगरी आगरा की पुलिस भी अलर्ट पर है। ताजनगरी आगरा की पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता से घर से बाहर ना निकलने की अपील की और शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आज सर को फ्लैग मार्च हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं सर, क्या किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, ये एरिया डोमिनेशन किया गया है जिसका दो ही कारण है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके कि वो अपने घरों में रहें, जिसका अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा, अगर कोई भी इसमें हमारे काम में बाधा पहुँचाता है तो हम बहुत सख्ती से पेश आएंगे। ये भी एक मैसेज देना था कि लोग अपने घरों में रहें, अगर कोई लॉकडाउन में कोई बाधा पहुंचाता है तो हम लोग बहुत सख्ती से पेश आएंगे। सर, किन किन जगहों पे आपने फ्लैग मार्च किया? ये जो सदर का एरिया है, ताजगंज का एरिया है, कच्ची सराय, पक्की सराय, शहीद नगर, उखर्रा, जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर लोग अक्सर घरों के बाहर निकल जाते हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके ये किया गया है।